Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. Today we will discuss about capsule endoscopy. First of all, we will see what is endoscopy. एंडोस्कोपी एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एंडोस्कोप बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि डायग्नोस कर सकें कि जीआई ट्रैक के अंदर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कोई डिजीज़ कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैप्सूल एंडोस्कोपी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं जब हमारे पास एंडोस्कोपी प्रेजेंट है। बेसिकली इसके कुछ रीजंस हैं कि एंडोस्कोपी की कुछ लिमिटेशन है। एंडोस्कोपी हर पार्ट की नहीं की जा सकती थी, कुछ इसकी लिमिटेशन थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट की पिक्चर नहीं कैप्चर इजीली कर सकते हम लोग एंडोस्कोपी के थ्रू। तो जब ही हमने कैप्सूल एंडोस्कोपी को प्रेफर किया, और एंडोस्कोपी जो है बेसिकली हमारे पास थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर है जबकि कैप्सूल एंडोस्कोपी हमारे पास पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। इस कैप्सूल एंडोस्कोपी एक हमारे पास ऐसा प्रोसीजर है जिसमें टाइनी वायरलेस कैमरा इनसाइड अ कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक के डिफरेंट पार्ट की पिक्चर कैप्चर कर वर्क स्टेशन पर भेजता है ताकि डॉक्टर इजीली एनालाइज कर सके डायग्नोस कर सके कि जीआई ट्रैक के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई सीलिएक डिजीज़ तो नहीं है, उसके एनालिसिस के लिए कैप्सूल एंडोस्कोपी करवाई जाती है। कैप्सूल हमारे पास बिल्कुल विटामिन साइज कैप्सूल होती है जो वाटर के थ्रू टेकन की जाती है। सी द पिक्चर ऑफ कैप्सूल एंडोस्कोपी जिसको यहाँ पर पिल कैमरा कहा जा रहा है। पिल कैमरा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका साइज बिल्कुल पिल जितना होता है। अगर हम कैप्सूल एंडोस्कोपी की हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले पिल कैमरा या फिर कैप्सूल एंडोस्कोपी जो इन्वेंट की थी डिस्कवर की थी वो गैब्रियल इडन ने की थी 2000 में। उसके बाद 2001 में उसको एफडीए से अप्रूवल भी मिल गई थी इस पिल कैमरा को। कैप्सूल एंडोस्कोपी करवाई कब जाती है? जब भी कोई पेशेंट आता है जिसको जीआई ट्रैक की कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर उसको सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि आप एंडोस्कोपी या कैप्सूल एंडोस्कोपी करवाओ ताकि उससे पता चल सके कि आपको जीआई ट्रैक के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जीआई ट्रैक के अंदर कोई सीलिक डिजीज़ तो नहीं है या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में या एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ तो नहीं हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में। इन सब चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले एंडोस्कोपी को प्रेफर किया जाता है। एंडोस्कोपी कैप्सूल एंडोस्कोपी को करवाया जाता है। अगर हम कैप्सूल एंडोस्कोपी के फीचर्स की बात करें तो ये डिस्पोजेबल है क्योंकि सिर्फ एक ही मरतबा इसको यूज़ किया जा सकता है, उसके बाद ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। सेकेंड, अगर इसके पॉइंट की बात करें तो इसका डायामीटर 10 mm होता है, लेंथ इसकी 25 mm होती है और ये 8 hours के प्रोसीजर में 5000 इमेज कैप्चर कर वर्क स्टेशन पर सेंड करती है ताकि वो डायग्नोसिस में हेल्प कर सकें। बैटरी लाइफ इसकी 8 hours होती है, 8 hours के बाद ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। अगर इसके वेट की बात की जाए तो 3.50 ग्राम इसका। कैप्सूल एंडोस्कोपी की प्रिपरेशन की बात की जाए तो 8 to 10 hours तक फास्टिंग में रहा जाता है, उसके बाद वाटर के साथ कैप्सूल एंडोस्कोप को टेकन किया जाता है और स्मोकिंग को मना किया जाता है 24 hours के लिए जब तक वो प्रोसीजर हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म किया जा रहा होता है। हम कैप्सूल एंडोस्कोपी के प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले कैप्सूल को वाटर के साथ टेकन किया जाएगा, उसके बाद डॉक्टर एक बेल्ट को इसके साथ बॉडी के साथ पेशेंट की अटैच कर देंगे ताकि जितनी भी बॉडी के अंदर जो कैप्सूल जो है वो इमेज कैप्चर करे वो यहाँ से ट्रांसमिट हो और बेल्ट में रिसीव हो। रिसीव होने के बाद वो बेल्ट जो है वो ट्रांसमिट कर दे उसको वर्क स्टेशन में, क्योंकि बेल्ट के अंदर हमारे पास क्या है, रिसीवर है। अब वो रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो फिर वर्क स्टेशन पर ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि कैप्सूल के अंदर कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि 8 hours के अंदर जितनी भी पिक्चर कैप्चर होती चली जाएंगी वो ट्रांसमिट होती जाएंगी। ट्रांसमिट के बाद वो रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वर्क स्टेशन पर सेंड कर देगा। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर कैप्चर होते चले जाएंगी, जिस तरीके से हम पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। अगर हम कैप्सूल एंडोस्कोपी के मेजर पार्ट की बात करें तो हमारे पास है कैप्सूल जो पेशेंट टेकन करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसके बाद रिकॉर्डर है जो पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच होगा जो रिसीव करेगा उन इमेजेस को और फिर ट्रांसमिट करेगा कहाँ पर, वर्क स्टेशन पर, ताकि एनालाइज कर सके डायग्नोस कर सके डॉक्टर। अगर कैप्सूल एंडोस्कोपी की वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग में क्या हो रहा है कि पेशेंट ने पहले कैप्सूल को टेकन किया, उसके बाद कैप्सूल ने क्या फंक्शन शुरू करा कि उसने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जितना भी जीआई ट्रैक्ट की थी उसने इमेजेस लेना शुरू करी और इमेजेस लेने के बाद रिकॉर्डर जो उसकी बेल्ट के साथ लगा हुआ था वहाँ पर सेंड करी, उस रिकॉर्डर ने वर्क स्टेशन पर भेज दी। इस तरीके से हमारे पास कैप्सूल एंडोस्कोपी वर्क करती है। कैप्सूल एंडोस्कोपी से हमें कुछ इस तरीके की इमेजेस हमारे पास वर्क स्टेशन पर रिसीव होंगी, देख सकते हैं आप ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट की इमेजेस हैं।
तो यहाँ पर ईजिली डॉक्टर एनालाइज कर सकेंगे कि कोई इनको कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ तो नहीं हो रही स्मॉल इंटेस्टाइन या डिफरेंट पार्ट के अंदर, तो उसके एनालाइजेशन में हेल्प मिलेगी। अगर कैप्सूल कैमरे की बात करूँ तो कैप्सूल कैमरे के अंदर 8 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ऑप्टिकल डोम होता है जो बुलेट शेप का होता है, जहाँ से हमारे पास लाइट एंटर होगी। उसके बाद हमारे पास लेंस होल्डर होता है, उसके बाद लेंस होता है, क्योंकि कैमरा है तो कैमरे में लेंस भी होगा, और फिर लेंस के अराउंड जो है हमारे पास इल्यूमिनेटिंग LEDs लगी हुई होती हैं ताकि वो उसको लाइट प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद हमारे पास सीमोस इमेज सेंसर है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इमेज सेंसर है। बैटरी हमारे पास, हमें पता है बैटरी की लाइफ टाइम यहाँ पर कितनी है, 8 आवर्स है। उसके बाद 7th पर हमारे पास ASIC ट्रांसमीटर है, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांसमीटर है, जो ट्रांसमिट करेगा फिर उन इमेजेस को बेल्ट में, जो हमारे पास रिकॉर्डर रिसीवर लगा हुआ है उनको ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद एंटीना है जो वायरलेसली कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करेगा। इसकी वर्किंग को देखा जाए तो सबसे पहले कैप्सूल को टेक इन किया जाएगा। कैप्सूल क्या करेगी, कैप्चर करेगी इमेज और उसके बाद वायरलेसली कम्युनिकेट करेगी आउटसाइड द बॉडी। अब वायरलेसली कम्युनिकेट कैसे करेगी, क्योंकि हमने देखा कि एंटीना उसमें प्रेजेंट है, तो कम्युनिकेट करेगी। अब आउटसाइड हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक बेल्ट लगी हुई है जहाँ पर रिसीवर प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस डेटा को स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद कहाँ पर सेंड करेगा, वर्क स्टेशन पर या फिर डेस्कटॉप PC पर सेंड करेगा, जहाँ पर वहाँ डेटा एनालिसिस होगी, फिर इमेज वहाँ पर डिस्प्ले होगी और डॉक्टर वहाँ पर इजीली डायग्नोस कर सकेंगे। हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर सेकंड इसके एडवांटेज देखें तो हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करता है। अगर हम नॉर्मल एंडोस्कोपी की बात करें तो उसमें इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कैप्सूल एंडोस्कोपी में अच्छी होती है। एक्यूरेट रिजल्ट आता है, साइज इसका स्मॉल होता है, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, कोई इसमें इंसीजन नहीं होती है, बायो कंपैटिबल मटीरियल का बना हुआ है, इसी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं होता बॉडी के अंदर जाने के बाद। इसका फास्टिंग पीरियड बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एंडोस्कोपी। नॉर्मल एंडोस्कोपी में फास्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सिर्फ 8 to 10 आवर्स का फास्टिंग पीरियड होता है। हम कैप्सूल एंडोस्कोपी के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कैप्सूल एंडोस्कोपी एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एंडोस्कोपी, क्योंकि हमें पता है कि कैप्सूल एंडोस्कोपी हमारे पास रियूजेबल प्रोसीजर नहीं है, जबकि नॉर्मल एंडोस्कोपी रियूजेबल प्रोसीजर है, तो इसकी वजह से ये एक्सपेंसिव भी है। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी डबल है नॉर्मल एंडोस्कोपी से। समटाइम क्या होता है कि ब्रीथिंग पाथवे में ये स्टक हो जाती है कैप्सूल, तो इस वजह से ये कुछ इसके डिसएडवांटेज। कैप्सूल एंडोस्कोपी के प्रिकॉशन की बात करें तो 8 to 10 आवर्स के अंदर जब आपकी बॉडी के अंदर वो कैप्सूल प्रेजेंट है तो आपको MRI और CT स्कैन के बिल्कुल करीब नहीं जाना, क्योंकि कैप्सूल के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक पार्ट हैं, कुछ मेटलिक पार्ट हैं, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको भी। होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।